नवी मुंबई के रबाले में गरबा खेलने से मना करने पर हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रबाले झोपड़पट्टी में चल रहे गरबा महोत्सव में पहुंचा था, जहां कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोगों से गलत व्यवहार करने लगा, जिसके बाद युवक को पंडाल से बाहर निकाल दिया गया। आपको बता दें कि गरबा महोत्सव से युवक को बाहर करने पर सुबह 4 बजे पंडाल में सो रहे 3 लोगों पर हथौड़े से हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस उपायुक्त विवेक पानसारे ने बताया है कि चारों युवक नशे में थे। उसी बीच युवक एक साथ गरबा मैदान के पास रुका और आरोपी जितेंद्र पटवा मैदान में उल्टा सीधा नाचने लगे, जिसके बाद झगड़ा हो गया। वहीं इसके बाद में सुबह करीब 4 बजे वह वापस पांडाल में हथौड़ा लेकर पहुंचा और तीनों पर हमला कर दिया। जितेंद्र पटवा करके जो आरोपी है, उसने उसके तीनों साथीदारों को लोहे के हथौड़े से मारा। उसमें आकाश जायसवाल करके एक युवक की हत्या हो गई है, उसका खून हो गया। नहीं, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड इनका कुछ है नहीं, लेकिन वो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं और जो कुछ काम हर दिन मिलता है वही काम करते हैं।